काश तू से आए जैसे कोई दुआ, तो रूह की आहत है। ओके सो गाइज, अभी आप लोग जिस वाली वीडियो को प्रीव्यू पे देख रहे हो गाइज, अभी के टाइम पे कुछ इस टाइप की स्पॉटिफाई ग्राफ वाली जो वीडियो है ना, इंस्टाग्राम के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो गाइज, अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप की सेम वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर गाइज मैंने आपको कम्प्लीट बताया कि आखिर कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की वीडियो को बना सकते हो, कैसे आप लोग ग्राफ एड कर सकते हो, कैसे आप लोग स्पॉटिफाई का स्क्रीनशॉट एड कर सकते हो, ए से लेके पूरा जेड तक मैंने कम्प्लीट बताया है बहुत ही सिंपल वर्ड में। तो बस इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करना सीख जाओगे, वो भी काफी कम समय में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो चले गए हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर और अपनी वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर गाइज मैंने जो है अपना लाइट मोशन ओपन कर लिया है। तो अभी सिंपल से मैं यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको ब्लैक कलर ही सेलेक्ट रहने देना है। देन यहाँ पर क्रिएट ए प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइज यहाँ पर आप लोग इतना कर लेते हो, अभी सिंपल से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको मीडिया पर आ जाना है। मीडिया पर आने के बाद गाइज यहाँ से आप लोग जिस वीडियो को ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना, सबसे ऊपर देखो यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना। तो इस वीडियो का जो ऑडियो है गाइज वो अलग हो जाएगा। अभी इस वीडियो पे हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब जैसे गाइज यहाँ पर देख सकते हो इतना हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कहाँ से आप लोगों को अपने सॉन्ग को स्लो करना है, ठीक है, कहाँ से स्लो मोशन डालना है। तो मैं यहाँ से एग्जाम्पल के लिए मैं 10 सेकंड से रखूंगा, तो मैं एक 10 सेकंड पे बीट लगा दूंगा और कहाँ तक हम रखेंगे कि यहाँ तक से हमारा 12 सेकंड तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक 10 सेकंड से मेरा स्टार्टिंग होगा स्लो मोशन होना और यहाँ से 12 तक हमारा पूरा ही स्लो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप भी अपने हिसाब से अगर अलग सॉन्ग पर बनाते हो तो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना देख लेना कि कहाँ से आपको स्लो मोशन डालना है। इतना जैसे ही हो जाता है अब स्टार्टिंग पे आ जाना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पर आ जाना है और यहाँ पर जिस पीएनजी का यूज कर रहा हूँ ये वाला जो पीएनजी है ना गाइज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरे, तो जाके डाउनलोड कर लेना। बट उससे पहले आप लोग आराम से यहाँ पर वीडियो को देख लो, फिर जाके तो कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसको एड कर दोगे, सबसे लास्ट में आना है वीडियो के और यहाँ पर क्लिक करके इसको पूरा एंड तक रख देना है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब इतना जैसे ही हो जाता है अब आपको आ जाना है राइट 10 सेकंड पे जहां पर आप लोगों ने पहला बीट लगाया है और वहां पर आना है और इस पर क्लिक करके इस पे एक स्प्लिट लगा देना है, बोले तो अलग अलग कर देना है इसको, ठीक है। अलग करने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला आपका ये वाला लेयर है पीएनजी वाला, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपोसिटी पे आ जाना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का की फ्रेम लगा देना है एंड राइट आ जाना है आपको सेकंड वाले बीट पे 12 सेकंड पे। एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको 100% पे क्लिक करके इसको गाइज यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इसको यहाँ पर आपको रख देना है 50%, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज मैं क्यों करवा रहा हूँ, यहाँ पर अभी देखना, देखो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा और यहाँ से गाइज हमारा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं ओपोसिटी में की फ्रेम लगवाया है, यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। इतना हो चुका है। अब गाइज आपको क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से कोई सी भी एक वीडियो ले लेना जिस वीडियो पर आप लोग अपनी इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक ये वाली वीडियो स्टेटस वीडियो यूट्यूब से लिया हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वीडियो ले लेना, अगर आप फुल स्क्रीन वाली वीडियो लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन पे नहीं करूंगा बिकॉज मेरी वीडियो फुल स्क्रीन वाली नहीं है, तो यहाँ पर हाफ वाली है तो मैं इसी में रखूंगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो फुल स्क्रीन वाली वीडियो ले सकते हो। तो यहाँ पर ये वाली मैंने वीडियो को रखा, अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसका ऑडियो सबसे पहले पूरा जीरो कर लेते हैं एंड जीरो करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको तब तक बड़ा करना है जब तक आपका जो आप लोगों ने पीएनजी लगाया है उसका परफेक्ट साइज जब तक ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब तक परफेक्ट साइज हमारा ना हो जाए, तो ये हमारा ये परफेक्ट साइज हो चुका है, ठीक है। इतना जैसे ही हो जाता है अभी सबसे एंड में आना है और यहाँ पे जहाँ पे आपका ये है, ठीक है,
जहाँ पे आपका ये लास्ट वाला म्यूजिक है यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करना है और इसको स्प्रेड कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इतना हो चुका है। अब इतना करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पर फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एक सेव सेलेक्ट कर लेना है। सेव सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ एक चीज पहले इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ तो जब इसको कर लेते हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसको पकड़ के ना ऊपर वाला जो वीडियो है इसको इस लेयर, इस पीएनजी वाले लेयर के नीचे ले आना। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो आपका ये वाला जो पीएनजी है वो आगे हो जाएगा और आपका जो वीडियो है वो पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इस पीएनजी के पीछे वीडियो आपकी चलेगी, ठीक है। इतना हो जाता है, इतना जैसे ही हो जाता है अब आ जाना है आपको स्टार्टिंग में। अब जाना है आपको प्लस वाले आइकन पे, और यहां से आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक सेव सेलेक्ट कर लेना है। सेव सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहां पर आपको क्या करना है, एडिट सेव पर आना है। एडिट सेव पर आने के बाद गाइज इसका जो एक्स है, एक्स पे क्लिक करना है और इसको रख देना है आपको गाइज 407407, ठीक है। एंड वाई पे आ जाना है, वाई को आप लोगों को रख देना है 53, ठीक है। एंड ओके करेंगे, रेडियस पे आ जाएंगे, रेडियस को हम रख देते हैं 55% एंड ओके कर देंगे, ठीक है। इतना जैसे ही कर लेते हैं, अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके ना गाइज आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना और यहाँ पर वाला जो ये है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो ये जो जहां से हमारा ब्राइटनेस वगैरह कम करने का रहता है फोन के अंदर, उस पर आप इसको बिल्कुल परफेक्ट से आराम से एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट कर देना, ठीक है। तो और अच्छे से मैं कर देता हूँ, बिल्कुल सही तरीके से सेट हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब बैक आना है, अब कलर पे जाना है, और कलर पे जाने के बाद गाइज अभी आपको क्या करना है, इसका जो कलर है ना इसको यहाँ से रख देते हैं, यही वाला जो कलर मैच खाए, तो ये वाला कलर सही है, ठीक है। तो ये वाला कलर रख देंगे। रखने के बाद इसका जो लेंथ है ना, अभी आपको क्या करना है कि पूरा लास्ट तक कर देना है, बट उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं एक ठो। तो अभी यहाँ पर आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एड इफेक्ट पर चले जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ पर वाइप सर्च करेंगे, ठीक है। वाइप सर्च करते हैं एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, एंड पे आ जाएंगे, एक प्लस का आइकन लगाएंगे एंड 12 सेकंड पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको हम कितना परसेंट रख देंगे गाइज, इसको हम रख देते हैं 25 कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अगर अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो यहां पर देखना कुछ इस तरीके से आपका, देखो म्यूजिक कम ब्राइटनेस कम होता दिख रहा है, जैसे जैसे आपका ये इसका स्क्रीन का ब्राइटनेस कम होगा वैसे वैसे यहां पर देखो ये चलने लग जाएगा, ये देख सकते हो कम हो रहा है, ध्यान से देखोगे तब दिखेगा, ठीक है। अब जैसे इतना हो जाता है, अभी आपको इस पर क्लिक करना है, सबसे पहले एंड में चलता हूं और इसको पूरा लास्ट तक कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतना जैसे हो जाता है गाइज, अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ का जो काम है ना गाइज, यहाँ पास का वो हमारा काम यहाँ का कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आ जाना है स्टार्टिंग में और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर चले जाना है। एडिट टेक्स्ट पर जाने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोगों को डेट और टाइम अपना लिखना है। तो जैसे कि अभी जो समय हो रहा है वो मेरे हो रहा है 11:00 कितना मिनट हो रहा है, 17 मिनट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिख दूंगा और स्पेस दे दूंगा, और आज कौन सा दिन है, संडे है आज, ठीक है। आप अपने हिसाब से डेट और टाइम लिख देना, डेट और टाइम, ठीक है, और संडे है आज, तो यहाँ पे एक कॉमा दे दूंगा और स्पेस देके यहाँ पर आज 7 तारीख है तो 07 लिख दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर रोबोटो रेगुलर पे आएंगे, व्यू ऑल फॉन्ट पर चले जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला अच्छा लग रहा है। एंड कलर पे आएंगे, यहाँ पर लाइट व्हाइट रखेंगे एंड इसको ओके कर देंगे। एंड एक बार और ओके करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाते हैं एंड इसको यहाँ पे बढ़िया तरीके से सेट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। इतना हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो। अब लास्ट में चले जाएंगे और इसका भी जो लेंथ है पूरा एंड तक रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपका डेट और टाइम भी लिखा जाएगा। अब इतना जैसे ये हो जाता है, अब आपको क्या करना है, फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पर चले जाना है। एंड जाने के बाद यहाँ पर गाइज आपको जो भी आपका गाना है उसका गाने का नाम क्या है, तो इसका गाना का नाम है तेरी गलियां, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ले लेना, आपका मतलब जो भी सॉन्ग होगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो उसका नाम लिख देना और फिर से रोबोटो रेगुलर पे आना और व्यू ऑल फॉन्ट पर जाएंगे और ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई सा भी एक बढ़िया फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, काफी सारे वहां पर फॉन्ट मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आएंगे और इसको लाइट व्हाइट एंड ओके कर देंगे, एंड इसको ओके करते हैं एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आते हैं और इसको यहाँ पे बढ़िया तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद इसका भी जो लेंथ है पूरा वीडियो के एंड तक रख देना गाइज, कुछ इस तरीके से, ओके। इतना करने के बाद गाइज अब आप क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर जाना और यहाँ पर आपका जो भी लिरिक्स है, ठीक है, जो भी लिरिक्स है गाइज आपका, ठीक है, उस लिरिक्स को आप लोगों को लिखते जाना है
और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिरिक नहीं लिखूंगा। लिरिक बस आपको लिखते जाना है और ये इसी के नीचे लिखना है, तेरी गलियां जो है ना उसके नीचे लिख लेना, या फिर जहां पे ब्राइटनेस वाला होता है ना वहां पे भी लिख सकते हो, ठीक है। लिरिक लिखना काफी ज्यादा ईजी है, बस आपको टेक्स्ट म्यूजिक को सुन सुन के लिखते जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिरिक लिखने का प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, जो आप लोगों ने वो देखा होगा ग्राफ, उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिलहाल यहाँ पर जो हमारी इतनी वीडियो थी वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, बाकी लिरिक्स वगैरह लिख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ हमें लगाना है, तो ग्राफ कैसे लगाना है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ और पूरा बैक आ जाता हूँ। और यहाँ पर गाइज हम अभी क्या करेंगे कि अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अभी आप लोगों ने जिस वीडियो को एड किया है यहाँ पर, ठीक है, उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जिस वीडियो को मतलब अभी सेव किया है उस वीडियो को सिलेक्ट करना और यहाँ पर क्रिएटिव वीडियो पर क्लिक कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देख सकते हो गाइस जो हमारी वीडियो है वो आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब आपको क्या करना है कि सिंपल से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्पीड पर आ जाना है। स्पीड पर आने के बाद यहाँ पर क्या करना, आप लोग यहाँ पे क्या करना गाइस, नॉर्मल पे आ जाना, ठीक है, नॉर्मल पे नहीं आना है, कर्व पे आना है, ठीक है, कर्व पे आ जाना। कर्व पे आने के बाद यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना और एक बार फिर से क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी गाइज आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो होगा ही, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पर आपको काफी सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले एप्लीकेशन मिल जाते हैं, तो वहां से डाउनलोड करके आप लोग यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करना, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना म्यूजिक को सुनना कि कहाँ से हमारा जो म्यूजिक है वो स्लो होना चालू होता है, ठीक है। तो जो मेरा म्यूजिक है वो यहाँ से स्लो होना चालू होता है, तो थोड़ा सा मैं आगे आऊंगा और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से करूंगा और इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ पे अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से, देखो जैसा आप ग्राफ सेट करोगे वैसा ही आपका भी ऑडियो बन जाएगा, ठीक है, स्लो मोशन में जैसे जैसे आप अपना ग्राफ रखोगे, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा और इसको मैं कुछ और इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इतना, तो इतने में मैं रखूंगा, ठीक है। इतने में जैसे कर देते हो, अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाना है, ठीक है, इसको इसको ये जो डंडी है इसको पूरा स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है। अब आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रख देना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके पे तो मैं बता नहीं सकता, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरा ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, तो मैं बता नहीं सकता स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके। हाँ, तो अब यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देना है और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को कुछ इस तरीके से प्ले करना है, और ये वाली जो डंडी जो चल रही है ना गाइस, इस डंडी को ना पूरा लास्ट तक जाने देना, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे जैसे आपका यहाँ पर देखो, यहाँ से अभी आपका सॉन्ग जो है ना वो स्लो हो गया होगा, ठीक है, और यहाँ से देखो हमारी वीडियो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने लग गई है। यहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड होने देना, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेना। काफी सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले एप्लीकेशन है, आपके सभी के फोन में दिया रहता है भाई, हर किसी के, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करना, और जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है, ये पूरा यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा ग्राफ रिकॉर्ड हो जाता है। अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद इसको कर देना है आपको ओके, एंड इसको कर देना है ओके, ठीक है। इतना हो चुका है, अब आपको क्या करना है कि सिंपल से यहां पर आ जाना है गाइज ओवरले पे, देन यहां पर एड ओवरले पे क्लिक कर देना। एड ओवरले पे क्लिक करने के बाद यहां पर गाइज आप लोगों ने जिस ग्राफ को बनाया था, ग्राफ वाली वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, उस ग्राफ वाली वीडियो को सिलेक्ट करना एंड यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना, और यहाँ पर देख सकते हो वीडियो आ चुकी है, देख सकते हो ये वाली वीडियो, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता करना है कि भाई हमारी वीडियो कहाँ से चालू हो रही है, तो देखना यहाँ पर जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो व्हाइट कलर का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो टच बटन है वो चालू हो जाता है। तो देखो जहां से आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा तो वहां पर आप लोग टच करोगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से मैं चालू करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक स्पीड लगाऊंगा और बाकी का पार्ट डिलीट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, इसको रख दूंगा यहाँ पर। इतना करने के बाद लास्ट में आ जाऊंगा और लास्ट का जो पार्ट बचता है फालतू का, इसको भी मैं फेंक दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इतना हो चुका है, अब इस पर क्लिक करेंगे और इधर की तरफ आएंगे गाइज, और इधर की तरफ आने के बाद यहाँ पर मिलेगा, कहाँ गया, इधर की तरफ मिलेगा एक एडिट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ गया भाई, ये एडिट का ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर देख सकते हो, एडिट पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पर आ जाएंगे। क्रॉप पर आने के बाद इस पर क्लिक करके इसको नीचे लेकर आएंगे पूरा यहां तक, ठीक है, यहां तक ले आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको पकड़ के पूरा यहां तक कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतना हो चुका है गाइज, अब आपको क्या करना है, इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद अभी आपको क्या करना है, बैक आना है,
बैक आने के बाद आगे जाओगे, यहाँ पर मिलेगा एक मास्क का ऑप्शन, मास्क पे क्लिक कर देना। मास्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिरर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना और इस पर फिर से क्लिक करना और फिदर पे आ जाना। फिदर को थोड़ा सा बढ़ा देना कुछ इस तरीके से। कब तक बढ़ाना? जब तक आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, वो थोड़ा सा फेड वाला जो लुक है वो ना दिखने लग जाए। ठीक है, आपका ग्राफ पूरा नहीं मिटना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, हल्का सा मैं कुछ इतना कर देता हूँ, तो हल्का सा और कर देता हूँ कुछ इतना। ठीक है, इतना हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, ओके कर दूंगा और यहां से डन कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ग्राफ हमारा इतना बन चुका है। अभी इस पर क्लिक करेंगे और इसको दोनों फिंगर्स की मदद से छोटा कर देंगे। और अब अगर आप इसको यहां पर सेट करना चाहते हो तो यहां पर सेट कर देता हूं मैं, या फिर यहां करना चाहते हो तो यहां भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहीं पे करना चाहूंगा, सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। अरे यहीं कर देते हैं, ठीक है, फालतू क्या वहां पे करे। हाँ, तो यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अभी देखो इतना हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक मिल जाएगा आपको फोर्थ नंबर पे ब्लेंड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना। और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज इसको क्या करना, आप लोग लाइटन कर देना, तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो पूरा रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सो अभी यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो ग्राफ है आपका क्रिएट हो चुका है। अब इतना करने के बाद गाइज अभी आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है और यहाँ पर इफेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर गाइज आपको एक इफेक्ट डालना है, उस इफेक्ट का मैं नाम बता देता हूँ। तो इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन एंड क्लोथिंग में आना, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन क्या है भाई, हाँ ओपनिंग एंड क्लोथिंग है भाई, ऑप्शन मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ओपनिंग एंड क्लोथिंग में आना। यहाँ पर आपको काफी सारे ब्लर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको हालो ब्लर सेलेक्ट करना है एंड इसको ओके कर देना है। और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, कुछ इतना रखते हैं। ठीक है, और बस यहाँ पर जो आपकी कंप्लीट जो वीडियो है वो एडिट हो चुकी है। ठीक है, सो अभी अगर मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो गाइज यहाँ पर आप लोग वीडियो देख सकते हो जैसा आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैंने जो है आपको अब इस टाइप की वीडियो को क्रिएट करना सिखा दिया है। और इस वीडियो का जो XML फाइल है ना गाइज आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो XML फाइल का भी आप लोग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर वीडियो देखो बहुत ही सही तरीके से बन चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से गाइज आप लोग भी कुछ इस टाइप की वीडियो को बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है इस वीडियो को बनाना। अगर आपको इस वीडियो को बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको समय पर मिल जाएगा। ठीक है, एंड म्यूजिक को तो मैं सुना नहीं सकता बिकॉज कॉपीराइट का इश्यू है। बाकी यहाँ पर आप लोग वीडियो देखो बहुत ही शानदार बन चुके हैं। इस वीडियो को मैं दे दूंगा आप लोगों को अपने टेलीग्राम पर, वहां पर जाके आप लोग इस वीडियो को विथ म्यूजिक देखना, बहुत ही शानदार वीडियो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है, अब सिंपल से इस वीडियो को सेव करने के लिए इस एरो पे क्लिक करना और ये जो वीडियो है गाइज आपकी गैलरी के अंदर बिल्कुल HD में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसी लगी गाइज आपको ये वीडियो, मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना।